ड्रॉइंग विद 8 ईयर्स ओल्ड प्लास्टिक क्रेयॉन्स, सो लेट्स डू इट। सो आज मैं ये प्लास्टिक क्रेयॉन का यूज करूंगा। इसे मैंने 2014 में खरीदा था और बेसिकली इसे मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है। इसके लिए मैं एक व्हाइट पेपर ले रहा हूँ और यहाँ पे आज हम दो ड्रॉइंग करने वाले हैं। फर्स्ट का जो आउटलाइन है वो है पोकेमॉन ग्रे निंजा, एंड सेकंड ड्रॉइंग के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पे फटाफट से आउटलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा। आउटलाइन कंप्लीट होते ही मैं यहाँ पे फटाफट से कलर करना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे येलो कलर यूज करूंगा और डार्कर शेड्स के लिए डार्क येलो यूज करूंगा। ऐसे ही पूरे बॉडी में जो भी कलर मैं यूज करूंगा उसके बाद मैं उसके ऊपर ही डार्कर शेड्स का यूज करूंगा, डार्कर शेड्स को पाने के लिए। अगर मेरे पास कोई भी एक कलर डार्कर शेड्स में अवेलेबल नहीं है तो मैं वहाँ पे ब्लैक कलर यूज करूंगा। एंड में कलर होने के बाद मैं यहाँ पे मार्कर का यूज करूंगा आउटलाइन को एकदम शार्प देने के लिए। सेकंड में जो ड्राइंग बनाना हो डोरेमोन का, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आउटलाइन को ड्रॉ कर लूंगा। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये टू ड्राइंग्स में से आपको कौन सा ड्राइंग सबसे अच्छा लगा। कलर्स में मैं ब्लू, ऑरेंज और रेड कलर दे रहा हूँ। एंड में मैं आउटलाइन के लिए ब्लैक मार्कर यूज करूंगा। सो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।